जुलाई का महीना है, अभी सावन का भी महीना है बाबा भोलेनाथ का, और साथ ही में मॉनसून का सीजन है। कई पार्ट्स ऑफ इंडिया में आपको कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, इन सब जगह आपको बारिश देखने को मिलेगा। पर जब आप सोशल मीडिया पे जाते तो आपको सबसे ज्यादा दिखेंगे लोग चर्चा करते हुए दिल्ली के मानसून पे। अब इसमें क्या खास है आप पूछोगे? खास ये है कि जो दिल्ली के जो रोड्स है बारिश की वजह से पूरे तरीके से पानी से भर गए हैं। आपको याद होगा 2020 में जब कैंपेन कर रहे थे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए, तब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ था कि हर घर में वो फ्री वाटर पहुंचाएंगे और साथ में कई डेवलपमेंट मॉडल और भी चीजें थे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। तो आज जाके 2021 में वो चीज पूरा हो गया, बारिश हुआ और जो दिल्ली के जो सड़कें हैं वो पूरे तरीके से पानी में भरे और पानी गए लोगों के घर में, मिल गया आपको फ्री वाटर। अब वो बात अलग है कि आपने और मैंने सोचा था कि नल से फ्री जल मिलेगा, पर देखिए नल से आपको जल मिलता नहीं है। गर्मियों के मौसम में आपने भी देखा था इसी साल कि लोगों को टैंकर मंगवाने पड़ते थे ये पानी के लिए। अच्छा, अब रोड्स का हाल बताता हूँ। रोड्स का ऐसा हाल है ना कि छोटे 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 होल्स भी है तो बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, और कुछ नए नए आपको इन्वेंशन भी दिखेंगे दिल्ली में आजकल, जैसे कि डीटीसी के जो बसेस है वो फ्लोट करती है पानियों में, जो पानी जो है पूरे डीटीसी के बसेस के अंदर आ गया है, लोग कहाँ खड़े हुए पता नहीं। इसके बाद आपको जो गाड़ियां है वो गड्ढों के अंदर जाके गिर जाती है, और अब पता नहीं केजरीवाल किस चीज का शायद इंतजार करे, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो उसके बाद से सरकार इनकी जागे। अच्छा, जब इनकी सरकार से पूछा जाता है कि इसके लिए ये इतना बारिश वगैरह हो रहा है, इतना पानी वगैरह जम रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनका कहना है कि एमसीडी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आता, 63 सीट्स के साथ इनको लोगों ने वोट ही क्यों दिया जब इनके हाथ में ही कुछ नहीं है। अब खैर आप भी और मैं भी जानते हैं इनका, केजरीवाल साहब कितने एडवर्टाइजमेंट्स करते रहते हैं, कितना करोड़ रुपया उस पर खर्चा करते हैं। अगर उसका 10% भी ना अगर वो दिल्ली के रोड पे खर्चा करते तो आज दिल्ली का हाल ऐसा नहीं होता। अब खैर आप और मैं भी जानते हैं उनका और एडवर्टाइजमेंट, केजरीवाल और एडवर्टाइजमेंट का लव अफेयर बड़ा लंबा चर्चे में है। अब देखते हैं क्या करते हैं हमारे केजरीवाल साहब, और उन्होंने कुछ सपने भी दिखाए थे कि लंदन बनाएंगे दिल्ली के ऊपर। मैं एक ही बात कहूंगा उस सपने पे कि जो लंदन का सपना और दिल्ली के रोड्स दोनों चले गए पानी में। अब मैं यही चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल थोड़ा सा दिल्ली लोगों के लिए सेवा करें, ना कि इतना एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्चा करें। आपकी क्या राय है इस दिल्ली के मानसून पे, इस दिल्ली के हालचाल पे, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलता हूं मैं आपको आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।